Okay, students, this is page number 12 and the topic is which one. Look at these sentences. There are two buses at the bus stop. Which bus should we take? यानी कि इसमें अब हम यूज़ करेंगे विच वन को, ठीक है, कि इस सेंटेंस में उन्होंने हमें बताया कि टू बसेस हैं और अब हमने जो जानना है तो कौन सी बस जो है वो लेके जाएंगे, विच बस शुड वी टेक. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नाउन बस वी कैन यूज़ वन, कि अब हमने एक सेंटेंस में तो बस यूज़ की है लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें है कि विच बस शुड वी टेक, उसमें अगर हम इस बस नाउन की जगह जो है वन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विच वन. देयर आर टू बसेस ऑफ एट द बस स्टॉप, विच वन शुड वी टेक. अब इधर हमने बस वन जो है इधर हमने बस यूज़ नहीं किया बल्कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है विच वन शुड वी टेक. इस तरह से और हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि देयर आर टू हैट्स, विच हैट शुड आई टेक. अब इसमें हम दो दफ़ा हैट को रिपीट नहीं करेंगे, कि हैट को हम फर्स्ट सेंटेंस में रिपीट करेंगे यूज़ करेंगे और सेकंड में हम जो है ना विच वन जो है उसको यूज़ करेंगे, कि देयर आर टू हैट्स, विच वन शुड आई टेक, या देयर आर टू बुक्स, विच वन शुड आई टेक, ठीक है ना. सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें हम नाउन की जगह जो है विच वन यूज़ करेंगे. अब इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, रीराइट द अंडरलाइन क्वेश्चन यूजिंग वन इंस्टेड ऑफ द बोल्ड वर्ड्स. इनके अब हम इसमें वन जो है उसको यूज़ करेंगे बजाय कि हम बार बार जो है वो नाउन जो है उसको रिपीट करें. नंबर वन इज देयर आर अ लॉट ऑफ राइड्स एट द फन फेयर, विच राइड डू यू वॉन्ट टू गो ऑन फर्स्ट. अब देखिए उन्होंने इस एग्जांपल को इस तरह से सॉल्व किया, विच वन डू यू वांट टू गो ऑन फर्स्ट, ठीक है. इसमें अब राइड जो है उसको दो दफ़ा यूज़ नहीं किया बल्कि एक ही दफ़ा है, विच वन डू यू वांट टू गो ऑन फर्स्ट. नंबर टू में आई हैव गॉट अ ब्लैक पेन एंड अ ब्लू पेन, विच पेन डू यू वांट टू बोरो. अब टू पेन है, एक ब्लैक एक ब्लू है, और सेकेंड सेंटेंस में कि विच पेन डू यू वॉन्ट टू बोरो. अब इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे, विच वन डू यू वॉन्ट टू बोरो, बजाय के पेन या उसको बार बार हम नाउन जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, विच वन डू यू वॉन्ट टू बोरो. देर आर थ्री कार्टून्स एट दिस चैनल, विच कार्टून डू यू वॉन्ट टू सी. अब इसमें अब कार्टून्स बार बार नहीं बोलेंगे, विच वन डू यू वॉन्ट टू सी. नंबर फोर है देयर वर सिक्स स्टोरीज इन द कॉम्पिटिशन, विच स्टोरी वॉज द बेस्ट. इसमें करेंगे विच वन वॉज द बेस्ट, ठीक है. इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. अगेन नेक्स्ट उन्होंने दिया है फॉर प्लूरल वी यूज वंस. अब जहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं या ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें वंस यूज़ करेंगे, ठीक है. आई लाइक द ब्राउन शूज़ एंड द रेड शूज़, विच वंस शुड आई बाय. अब इसमें जो है टू कलर्स जो हैं उनको बताया गया कि एक ब्राउन और एक रेड है. तो अब जहाँ पे दो आ जाती हैं प्लूरल आ जाता है वहाँ पे यूज़ करेंगे विच वंस, वन नहीं वंस यूज़ करेंगे.